मैं डॉक्टर शंभु चरण शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर, डेहरी ऑन सोन, आप लोगों के समक्ष आज मैं बीए पार्ट टू ऑनर्स पेपर फोर्थ का एक टॉपिक बतलाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है लॉ किस प्रकार सहजात प्रत्ययों का खंडन करते हैं। जॉन लॉक एक अनुभववादी दार्शनिक हैं, इस कारण वे अनुभव को ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन मानते हैं। एक तरफ जहां बुद्धिवादी दार्शनिक बुद्धि को ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन बतलाते हैं, तथा इसकी पुष्टि के लिए वे कहते हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म के समय से ही उसके मस्तिष्क में सहजात प्रत्यय मौजूद होते हैं, और इन्हीं सहजात प्रत्ययों के द्वारा मानव ज्ञान की प्राप्ति करता है। इसके विपरीत लॉक का कहना है कि जन्म के समय मानव का मस्तिष्क कोरा कागज जैसा होता है, जिसमें कुछ भी अंकित नहीं होता। धीरे धीरे अनुभव के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसीलिए अपने मत को प्रतिपादित करने के लिए वे सहजात प्रत्ययों का खंडन करते हैं। डेकार्त ने सहजात प्रत्यय का सिद्धांत अवश्य ही बताया था, परंतु उनका सहजात प्रत्यय ऐसा था जो शिशु तथा अनपढ़ों में केवल स्वाभाविक प्रवृत्ति के रूप में पाया जाता है, और लॉक भी इस मत को अस्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने केवल अपने सिद्धांत को उग्र रीति से स्पष्ट करने के लिए खंडन की मदद ली है। लॉक ने सहजात प्रत्यय से उन प्रत्ययों का अर्थ लिया है जिनके विषय में यह मत था कि वे ईश्वर प्रदत्त हैं, और जो बिना किसी अनुभूति के आधार पर सभी व्यक्तियों में स्पष्टतया पाए जाते हैं। परंतु लॉक की धारणा है कि सभी प्रत्यय वस्तुओं की जानकारी के प्रयास से मानव अनुभूति के आधार पर उत्पन्न होते हैं। सहजात प्रत्यय को मानने वाले सहजात प्रत्ययों को सार्वभौम माना है। इस प्रसंग में लॉक का कहना है कि कोई भी प्रत्यय सार्वभौमिक नहीं होते हैं, और अगर इन्हें सार्वभौम मान भी लिया जाए तो इनकी व्याख्या सहजात के आधार पर न होकर अनुभव के आधार पर ही किया जा सकता है। यदि सहजात प्रत्यय से समझा जाए कि कुछ भावनाएं मानव में जन्म से ही पाई जाती है, तो ऐसी कोई भावना देखने में नहीं आती है। प्रायः सहज प्रत्यय के समर्थक व्याघात तथा तादात्म्य सिद्धांतों को सहज मानते हैं, परंतु वास्तव में ये सिद्धांत इतने जटिल हैं कि मानव में जीवन के प्रारंभ में न होकर प्रौढ़ावस्था में कठिन चिंतन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। परंतु यहाँ पर सहज प्रत्यय के समर्थक कह सकते हैं कि ये प्रत्यय शिशु, अनपढ़ तथा पागल में रहते हैं, लेकिन इनसे ये अनभिज्ञ रहते हैं। यहाँ लॉक का कहना है कि कोई प्रत्यय मन में रहे और लोग उससे अवगत न हों, ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। अतः लॉक का कहना है कि कोई भी प्रत्यय सहजात नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रत्यय सार्वभौमिक नहीं पाया जाता है। जो बात बौद्धिक प्रत्ययों के विषय में कही जा सकती है, वही नैतिक तथा धार्मिक प्रत्ययों के विषय में नहीं कही जा सकती है। शायद ही ऐसा
कोई आचार सिद्धांत हो जिसे दुनिया में सभी लोग एक रूप में सत्य मानते हैं। एक जमाना था जब चोरी तथा हत्या को स्पार्टा निवासी धर्म समझते थे, लेकिन कोई भी सभ्य व्यक्ति इसे नैतिक नहीं मान सकता है। अतः नैतिक धर्मों को भी सार्वभौमिक न रहने के कारण सहज नहीं माना जा सकता है। फिर ईश्वर के प्रति प्रत्ययों को सहज समझा गया है, परंतु यहाँ भी सार्वभौमिकता का अभाव नजर आता है। विभिन्न धर्मों में ईश्वर संबंधी प्रत्यय भी विभिन्न माने गए हैं, फिर भी कितनी ही समस्त जातियां बिना ईश्वर के ज्ञान के पाई जाती है। अतः ईश्वर संबंधी प्रत्यय भी सार्वभौमिक नहीं समझा जा सकता और इसलिए इसे सहजात नहीं कहा जा सकता है। अतः ये सब प्रत्यय जिन्हें सहजात समझा जाता था सार्वभौमिक नहीं है, और फिर कुछ प्रत्यय जो सार्वभौमिक हैं उन्हें सहजात नहीं माना जाता, जैसे सूर्य, अग्नि, ताप इत्यादि का प्रत्यय सभी लोगों में है, फिर भी इन्हें सहज नहीं माना जाता है। अंत में यदि सहजात प्रत्ययों के समर्थक कहें कि सहज प्रत्यय अस्फुट रूप में रहते हैं और कालांतर में वे अस्पष्ट हो जाते हैं, तो सहज प्रत्ययों की विशेषता ही जाती रहती है, क्योंकि यही बात तो फिर सभी प्रत्ययों में लागू होती है कि कालांतर में वे सभी अस्पष्ट हो जाते हैं। लॉक का कहना है कि उन्होंने सहज प्रत्यय का खंडन अवश्य किया है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने की सहज शक्ति का खंडन नहीं किया है। अतः डाइलिमा के रूप में लॉक ने अपने मत को इस प्रकार रखा है, आइदर द थ्योरी सिग्निफाइज दैट सर्टेन आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स आर एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ कंसियसनेस और इट मियरली एसर्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ए जनरल कैपेसिटी फॉर नॉलेज। इन द फॉर्मर केस इट इज एडमिटेडली फॉल्स, इन द लेटर केस इट इज टोटली अनेबल टू सपोर्ट द थ्योरी ऑफ सर्टेनिटी विच हैज बीन रेयर्ड अपॉन इट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस अर्थ में डेकार्त या आगे चलकर लाइबनिज तथा कांट ने इनेट आइडियाज को समझा है, उस अर्थ में लॉक उसका खंडन नहीं कर पाए हैं। फिर लॉक का खंडन मन को केवल चेतनमय मानकर किया गया है, लेकिन मन अचेतन और अर्धचेतन भी है। इस कारण से भी इनेक्ट आइडियाज का खंडन संतोषजनक नहीं समझा जाएगा।